हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। घर में थकी हारी स्नेहा ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा तरुण उस पर चिल्लाने लगा, मम्मी आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आप मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया, बहुत जोर से भूख लगी है। घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती, एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे पीछे बेटी ताशे भी कमरे में से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है, एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइट पर हूँ, आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। तरुण ने ताशी की बात का समर्थन किया। हाँ पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं है, एक भी काम ढंग से नहीं करती। और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दी, मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। दो ही बच्चे और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है, लेकिन कितने दिनों से कह रही है कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, आर्थो तेल ला दो, मेरा चश्मा टूटा है उसे बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को तो फुर्सत ही कहा है, सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है, उड़ाओ पैसे, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन तरुण और ताशी भी मुस्कुराने लगे। यह देख स्नेहा को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन कुछ बोली नहीं, वो वैसे ही बहुत थकी थी और उन सबको बोलकर या डांटकर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से आर्थो तेल निकालकर उनके सामने रख दिया, फ्रूट्स निकाला और धोकर फ्रूट बास्केट में रख दिया। बाजार से आई सब्जियां निकाल बेटी के लिए सलाद काटकर उसने दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है, मेरा सामान लाकर कोई ऐसा नहीं किया, मेरे बेटे की कमाई से ही लाई हो और यही सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते, फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। कनिका जी अपने जेब मिटाने के लिए भी स्नेहा को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि स्नेहा की क्या स्थिति है। अपने ही घर में मैं शायद एक पैचिंग बैग की जो आता मुक्का मार कर चला जाता। अरे अभी आप पिताजी अनिल से तो मिले ही नहीं, जब घर के बाकी सदस्यों का यह व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग ही उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए। शाम को घर आते ही कनिका जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि स्नेहा की वजह से तरुण और ताशी भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वो भी दवा समय से ना खा पाई। अनिल का मूड ऑफिस में बॉस के डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब था और घर पर स्नेहा की शिकायत, उसका भी सारा गुस्सा स्नेहा पर फूट पड़ा। यार तुम करती क्या हो घर में, मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी कामचोरी की शिकायतें सुनूं, किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ, कम से कम इस रोज़ रोज़ की शिकायतों से बच जाऊँगा। स्नेहा जिससे अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, आज यह सुनकर उसकी भी सहन शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। उसने कुछ भी नहीं बोला लेकिन मन ही मन में एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फ़ोन किया और रात का काम खत्म किया और सो गई। सुबह स्नेहा के घर से एक बार फिर तरुण, ताशी, अनिल और कनिका जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मम्मी मेरी दूध ब्रेड कहाँ है, मुझे आज ओट चाहिए, बहू मेरे लिए आज उपमा बना देना, स्नेहा मेरा टिफिन और नाश्ता कहाँ है। स्नेहा किचन से निकल कर आई, आप सभी को क्या कैसे और कितना खाना है इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई, ये माया है, आज से आप सबकी ज़रूरतों का यही ख्याल रखेंगी। ये क्या मजाक है स्नेहा, अनिल गुस्से से बोला,
हमारे घर में आज तक कोई कामवाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाना ही है। यह घर का काम करेंगे तो तुम क्या करूंगी? कनिका जी भी तल्खी से बोली, मम्मी जी मैं वही करूंगी जो 20 सालों से आप लोगों की नजरों से करती आई हूँ, आराम। और अनिल, आपने कल ही कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभाल पा रहा है तो आपको साफ साफ कह दूं, आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ न हो इसलिए माया को काम पर रख दिया है। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब कुछ माया को समझा दीजिएगा। स्नेहा, यह क्या नाटक शुरू कर दिया? स्नेहा के बात से बौखलाया अनिल गुस्से से बोला, नाटक? यह नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने की, और तरुण ताशी अब उन्हें क्या कहे। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वो तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की तरह ही है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती, चिंता करती, लेकिन कभी बदले में मीठे दो बोल नहीं मिलते। सासू माँ को देखकर, मम्मी जी मैं बाजार घर सामान लेने गई थी, आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाना। तरुण के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। ताशी का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। अनिल को बॉस से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की खुन्नस है, कभी आज तक प्यार के दो मीठे बोल ही नहीं पाई। आप सभी ने मुझे पैचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता आता, अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चल देता। हर बात पर मुझे झिझक दिया जाता। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे कोई तकलीफ है, तुम्हारी कोई चाहत है? हाँ, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24 घंटे सातों दिन और वो भी बिना छुट्टी लिए आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी ज़रूरतों का हर चीज़ सही तरीके से मिल जाती है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं, और न ही मैं ढंग से काम करती हूँ। इसलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए स्नेहा पलटकर बोली है, अनिल, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है, और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दे, उससे प्यार के दो बोल बोले। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी अकेली मेरे ख्याल न रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सच ही तो कहा था स्नेहा ने, सभी ने जाने अनजाने उसे पैचिंग बैग समझ लिया था। तो दोस्तों, आपके घर वाले भी आपके साथ यही व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी पैचिंग बैग बनना बंद कर दें। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।